Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely well. Students, we are going to read the remaining part of the poem Grandma, which is lesson number 7 of your textbook. We have already read the page number 29. तो आज हम पेज नंबर 30 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे. Get ready with a pencil or a pen. All right. तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपको छोटा सा एक recap देता हूँ. Recapitulate का मतलब होता है पिछली बात को याद करना या दोहराना. इस ग्रैंडमा पोएम को टेड ह्यूज पोएट ने लिखा है. इसमें वो बताते हैं कि एक ऐसी ग्रैंडमा है जो और नॉर्मल ग्रैंडमा से डिफरेंट है. अब किस तरह से ये ग्रैंडमा बैठी रहती हैं और ये एक अलग काम क्या करती हैं कि इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये बुनाई करती हैं, जिसे निटिंग बोलते हैं आप, KNITTING, निटिंग. तो इसमें ही आगे और पोएम हमको पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें वो बुन रही हैं. जैसे हमें हाफ पार्ट में, जो फर्स्ट हाफ है पोइम का, उसमें मालूम पड़ा कि जो एक वॉस्प पतंगा होता है उसकी बॉडी के लिए भी वो बुन रही हैं. अब जो ये ग्रैंड माँ है बहुत काइंड है. मालूम पड़ता है कि ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स को चाहती हैं कि सर्दी ना लगे. तो चलिए फिर इसकी 29 पेज जो है इसमें लास्ट लाइन से मैं पढ़कर आगे बढ़ता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शी निट्स फ्लावर्ड स्कर्ट्स एंड स्पेक्टिकल्ड पैंट. ग्रैंड मॉम फ्लावर्ड स्कर्ट्स मतलब स्कर्ट्स को निट करती हैं, बुनाई करती हैं, और डॉट्स वाली पैंट को भी बुनती हैं. Now they can go to the beach or a dance. अब वो लोग यानी कि insects, birds, wasp वगैरह ये उनके बुने हुए कपड़ों को, clothes को पहनकर अब beach पर जा सकते हैं और dance कर सकते हैं. Next line. Under the ice the goldfish hear. Goldfish होती है एक, वो भी ice के अंदर, मतलब जहाँ पर आइस है उसके टॉप लेयर पर तो आइस की आइस बनी होती है, लेकिन उसके नीचे वाटर होता है. तो गोल्डफिश वहाँ पर सुनती है डिसेंबर ब्लिजर्ड्स बीटिंग, मतलब सर्दी के मौसम में जो तेज़ हवा आती है, तूफ़ानी हवा, वो बार बार हिट कर रही होती है, मतलब टकरा रही होती है, उसकी आवाज़ गोल्डफिश सुनती है आइस की लेयर के नीचे से. दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर. तो पोएट कहता है कि उनके पास तो अपने आप को वार्म यानी कि गर्म रखने के लिए कोई फायर नहीं होती, जैसे हम अपने घरों में फायर को जलाकर वार्म कर लेते हैं अपने आप को. नेक्स्ट लाइन में बोला है नो रूम्स विथ सेंट्रल हीटिंग, मीनिंग कि जैसे एयर कंडीशनिंग होती है ठंडी एयर के लिए, कूल एयर के लिए, हम किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में या घर में एक जगह पर बड़ा सा एसी लगाकर सभी जगहों पर उसकी ठंडी हवा को भेज सकते हैं, उसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बोलते हैं. ऐसी गर्म हवा को भेजी जा सकता है. तो उसने बताया, पोएट ने, उन्होंने बोला कि ना तो उनके पास गर्म रूम है ना ही सेंट्रल हीटिंग वाले रूम्स हैं, तो वो लोग कैसे अपने आप को ठंड से बचाएंगे. नेक्स्ट लाइन में सो व्हेन फ्रॉस्ट निप्स द लिली रूट्स ग्रैंडमास निटिंग वुली सूट्स. तो जब बर्फ या स्नो बोलते हैं जिसको हम, वो जब लिली प्लांट की रूट्स पर हिट करती है और ऐसे लगता है कि ठंडी बर्फ काट रही है सर्दी से, ओके, तो जब वो फ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई बर्फ या फिर स्नो जब काटती है, ठंडी हवा को भी हम कह देते हैं,
कि जब वो चलती है तो काटती है, और वो किसे काट रही है, वो कह रही है जैसे कि एक इंसान को ठंडी हवा काटती हुई महसूस होती है, ऐसे ही लिली की रूट्स को भी वो फील हो रहा है कि बहुत ठंडी हवा है। ग्रैंड माँ की जो निटिंग वुली सूट्स हैं जो उन्होंने बुने हैं निट करके, ऊन वाले, वुली का मतलब ऊन वाले सूट्स, ग्रीन ब्लूज एंड गोल्ड फिश अडोर देम। तो देखिए इनके अलग अलग कलर्स हैं, ग्रीन और ब्लू। इसमें बता दिया है कि गोल्ड फिश उनको अडोर करती है, मतलब उनको लव करती है, उनको पसंद करती है। इतने प्यारे सुंदर बना रहे हैं तो ज़रूर लव और पसंद करेंगी ना उनको। नेक्स्ट, विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर देम। तो इन दोनों लाइंस में देम देम आ गया लास्ट में, राइमिंग वर्ड्स हो गई है कि विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल, मतलब पूरी सर्दी वो ग्रैंड माँ को थैंक यू कहते हैं, उनके लिए आभारी रहते हैं। ऑलराइट, व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन। अब देखिए जब घरों में खिड़कियाँ वगैरह सब बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, फिर भी ऐसा होता है ना, ठंडी हवा छोटी छोटी उनकी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे दरवाज़ों के नीचे या जहाँ पर साइड में कहीं से भी हवा अंदर आ जाती है। स्लाइस इन का मतलब है कि वो अपना रास्ता ढूंढकर बहुत छोटी छोटी जगहों में से अंदर आ जाती है। वैसे स्लाइस का मतलब टुकड़ा होता है, पीस। तो वो कहाँ से आ जाती है, थ्रू ऑल द लिटिल क्रैनीज। क्रैनीज का मतलब है छोटी छोटी दरारें, खिड़कियों दरवाज़ों के बीच में जो जगह बच जाती है। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड क्रैनी। वहाँ से स्नोई विंड्स, ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। द श्रब्स एंड बर्ड्स इन आवर नेबर्स गार्डन्स। तो जो हमारे पड़ोस का गार्डन है, पोएट ने बताया, उस गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स, उस गार्डन में जो आसपास बर्ड्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, एनवी दोज इन माई ग्रैनीज, कि हमारे पड़ोसियों के गार्डन्स में बर्ड्स और प्लांट्स, हमारे घर में जो बर्ड्स और प्लांट्स हैं उनसे उनको मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है। किस बात की, कि देखो ग्रैंड माँ उस वाले घर में सभी बर्ड्स और प्लांट्स को वुलन क्लोथ्स बुन बुन कर दे रही हैं, लेकिन हमारे हमें तो नहीं मिल रहे। तो इस बात को उनके अंदर एनवी वाली फीलिंग आती है। एनवी का मतलब किसी के पास कोई चीज़ है इसलिए हमारे मन में एक फीलिंग आ रही है कि उसके पास वो चीज़ है, हमारे पास नहीं है। ऑलराइट, जैसे किसी बच्चे ने नए शूज़ पहन लिए हैं और आपको लग रहा है कि आपके शूज़ थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो उसके पास तो नए हैं। ऑलराइट, किसी टीचर ने किसी बच्चे को प्राइज़ दे दिया तो आपको लग रहा है कि उस बच्चे को तो प्राइज़ मिल गया, मुझे नहीं मिला। दिस दिस फीलिंग इज़ कॉल्ड एनवी, ENVY, नोट कर लीजिएगा आप। ऑलराइट, नेक्स्ट, हर श्रब्स हैव स्कार्व्स एंड पुलोवर्स, कि उनके यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं, मतलब ग्रैंड माँ के गार्डन में, उनके पास स्कार्व्स हैं, मैम ग्रैंड माँ ने बुन रखे हैं दादी जी ने, एंड पुल ओवर्स, स्वेटर्स को बोलते हैं पुल ओवर्स। हर बर्ड्स हैव ईयर मफ्स, उनकी बर्ड्स के पास कानों को कवर करने वाले कवर्स हैं। ओके, ओवर हर ईयर्स, आप समझ गए, कानों के ऊपर पहना हुआ है उन्होंने। एंड कैट्स दैट कम आस्किंग फॉर टिटबिट्स प्लीज। अब देखिए कैट्स भी दौड़ी आती हैं, जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कैट्स भी सोच रही हैं ना कि हमें भी जाना चाहिए। वो क्या मांगती हैं, दे कम आस्किंग फॉर टिटबिट्स प्लीज। वो कहती हैं अरे थोड़ा सा कुछ हमें भी दे दो। टिटबिट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टोरी, कोई न्यूज़ या कोई खाने की अच्छी सी चीज़। यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है कि वो भी डिमांड करती हैं ग्रैंड माँ से कुछ ना कुछ। गो ट्रॉटिंग अवे विद लिटिल बूटीज। और जब वो कुछ खाने पीने का सामान वगैरह मांगने आती हैं तो फिर वो वापस छोटे छोटे स्टेप्स से बहुत जल्दी जल्दी चली जाती हैं। गो ट्रॉटिंग, ट्रॉट जो वर्ड है TROT बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्विक और शॉर्ट स्टेप्स से चलना। ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है,
ना तो आप भाग रहे होते हैं ना ही आप आराम से वॉक कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जनरली थोड़ी सी स्लाइटली फास्ट स्पीड होती है। ओके और बोलेंगे आगे, गो ट्रॉटिंग अवे विद लिटिल बूटीज। अब यहाँ बूटीज का मतलब क्या है? बूटी का मतलब हो गया कि जो भी उनको सामान वहाँ खाने का मिला, चाहे पहनने के लिए मिल गया या खाने का, तो उसको हम बूटी बोलेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो चली जाती हैं। नेक्स्ट, अ फ्रॉस्टी ऑक्टोपस रिसीव्ड अ स्टाउट 8-फिंगर्ड मिटन। मतलब एक ऑक्टोपस है, देखिए ऑक्टोपस कैसा होता है, कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो, ऑक्टोपस जो है उसके 8 लिम्स होते हैं, हाथ पैर, ये देखिए येलो कलर का, उसके जो 8 लिम्स हैं मतलब उसकी जो भुजाएं हैं, हाथ हैं वगैरह, उस ऑक्टोपस को क्या मिलता है? वो ऑक्टोपस देखते हैं क्या लेकर जाता है, इस लाइन से पता चलेगा। रिसीव्ड अ स्टाउट 8-फिंगर्ड मिटन, मतलब उसकी आठों हाथों में या उसकी 8 आर्म्स में, भुजाएं जिसको हम कह रहे हैं, उसमें पहनने के लिए मोटे मोटे वो दस्ताने लेकर जाता है। मिटन्स का मतलब भी वही होगा, हाथों या पैरों के कवर्स, जैसे दस्ताने होते हैं। ओके, ग्लव्स बोलते हैं जिनको। तो स्टाउट का मतलब क्या है? हैवी, फैट। तो वो बहुत मोटे मोटे दस्ताने लेकर जाता है, उनको ग्रैंड माम बुनकर देती हैं। नेक्स्ट, अ कैमल हुज इम्पॉर्टेंट हम टेंडेड टू गेट फ्रॉस्ट बिटन। कि एक कैमल है जो कि जिसको बहुत जल्दी जल्दी फ्रॉस्ट यानी कि जो सर्दी होती है वो उसको काट लेती है। जैसे कोहरा पड़ता है ना, फ्रॉस्ट बोलते हैं जिसको हम, बर्फ, या हम ऊपर बात कर रहे थे कि कोहरा पड़ना, फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट जो है वो इतना ठंडा होता है कि वो हमारी स्किन को उस पर ऐसे लगता है जैसे वो पिंच कर रहा हो, काट रहा हो। ठीक है, तो कैमल भी आता है, और कैमल को इम्पोर्टेंट बोला है क्योंकि इतना बड़ा एनिमल है, वो भी आता है। टेंडेड टू गेट फ्रॉस्ट बिटन मतलब वो जल्दी जल्दी, उसकी नेचर है ऐसी कि उसको जल्दी से फ्रॉस्ट बाइट कर लेता है, सर्दी उसको काटती है। क्योंकि कैमल तो जनरली ठंडे एरियाज में नहीं रहता, तो उसको जल्दी ठंड लगेगी, इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट, हैज़ अ टी कोजी विद टैसल्स ऑन इट। मतलब देखिए क्या चीज़ है कि अभी आपने ऊपर देखा कि एक तो मिटन लेके चला गया यानी कि दस्ताने पहनकर ऑक्टोपस चला गया, और ऐसे ही जो कैमल आया वो भी कैसे चला गया, वो भी अपने फ्रॉस्ट उसको काट ना ले, उसके लिए भी वो अपने लिए कवर लेकर चला गया। ऑल राइट, ऊन का बुना हुआ कपड़ा वो भी लेकर चला गया। हम्प जो होता है वो कैमल की पीठ पर, एक ऊंचा सा उसकी पीठ के ऊपर हम्प बना हुआ होता है, इसको हम हम्प कहते हैं। तो इस हम्प का कवर लेकर चला गया है, ओके, ठंड से बचने के लिए। और आगे चलते हैं हम, तो उसको मिल गया फाइन, ताकि फ्रॉस्ट बाइट ना करे। और देखिए, हैज़ अ टी कोजी विद टैसल्स ऑन इट, अ ग्रास स्नेक हैज़ अ सॉक विद अपॉन इट। अब देखिए, कैमल ने तो फ्रॉस्ट से बचने के लिए एक कवर आपने देखा ले लिया, अब उसको और भी चीज़ मिली है। एक क्या चीज़? उसके पास जैसे चाय होती है ना कप में या ग्लास में, या घर के अंदर कोई भी चीज़ है ऐसे ही जो गर्म है, उसको गर्म ना लगे इसके लिए एक कोजी, टी कोजी कहलाता है, उस कवर में रख लेते हैं पकड़ने के लिए। तो वो जो टी कोजी कहलाता है, उस टी कोजी में के टॉप किनारे से छोटे छोटे ब्रांचेस लटक रहे होते हैं धागे के, ठीक है, एक एंड से, वो डेकोरेशन पर्पस के लिए होता है। इसमें लिखा हुआ है छोटा, फाइन, फुट नोट में नीचे लिखा हुआ है। तो कैमल के पास वो टी कोजी होता है, ओके, वो उसमें चाय पी कर चला जाता है, ग्रैंड मा उसको देती है। तो टैसल्स का मतलब वो टी कोजी जिसमें चाय का कप, या जनरली कप ना होकर वो ग्लास होता है, ग्लास को रखते हैं, और वो जो कवर जैसा है उसके किनारों से
छोटे छोटे थ्रेड्स यानी कि धागे निकले हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अ ग्रास स्नेक हैज अ सॉक विद अ बॉनेट, कि जो ग्रास में रहने वाला स्नेक है उसके वो क्या पहनता है, उसको क्या मिल जाता है, एक सॉक मिल जाती है जिसे आप जुराब या मोज़ा बोलते हैं, विद अ बॉनेट। बॉनेट क्या हुआ, उसके ऊपर छोटा सा उसके बैक में एक पीस लगा हुआ होता है। देखिए कैसे, ये देखिए, इसको ये ग्रास स्नेक है, उसको एक सॉक मिल गई है, जैसे कि उसके सर के ऊपर मान लीजिए एक बॉनेट सा हो, टोपी की ऊपर कैप, तो उसको एक बॉनेट मिल गया है। बॉनेट जनरली क्या होता है, जो कार्स होती हैं उसके आगे वाले शीशा और उसके पीछे वाले जो शीशा होता है जहाँ आप पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं उसके पीछे, जिसे हम डिक्की भी बोलते हैं जनरली, बूट भी बोला जाता है, तो वो जो बॉनेट होता है ना वो आगे के इंजन वाले पार्ट्स वगैरह को खोलने के लिए होता है, ऐसे ही पीछे से डिक्की वगैरह जो खुलती है, तो इस चीज़ को पोएट ने बॉनेट बोल दिया है कि उस जो ग्रास स्नेक ने जो सॉक मिली है उसको, उस पर छोटा सा एक बॉनेट बना हुआ है आगे से उभरा हुआ हिस्सा। आगे चलते हैं, फोक्स कैन बाय क्लोथ्स, अब फोक्स का मतलब लोग, पीपल, लोग जो हैं वो क्लोथ्स उनसे खरीद सकते हैं, एट सम शॉप और अदर, कैसे कि अगर आपको कोई क्लोथ्स ख़रीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, शॉप्स पर, पोएट ने बोला है। लेकिन द क्रीचर्स डिपेंड ऑन माई ग्रैंड मदर, पोएट बोलता है कि क्रीचर्स जितने भी हैं, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, ये मेरी ग्रैंड मदर पर ही डिपेंड यानी कि निर्भर रहते हैं, वो शॉप्स उनको नहीं जाना पड़ता जैसे लोग जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत अच्छी सी पोएम हमको लगी कि उन ग्रैंड मदर ने कैसे बुनाई की। अब देखिए ये कैप नज़र आ रही है, इन्होंने इसको भी ग्लव्स दे दिए हैं पैरों में पहनने के लिए, मोज़े जिसे हम कह रहे हैं, ओके, बर्ड्स वगैरह ने भी पहना हुआ है। ये देखिए श्रब्स की बात कर रहे थे हम, पौधों की, उन सब के लिए किसी के पास स्कार्फ है, ओके, किसी के पास स्वेटर है, इसे पुलओवर बोलते हैं, कि उन्होंने अपने गार्डन में लगे हुए पेड़ पौधों को भी ठंड से बचने के लिए पुलओवर्स यानी स्वेटर्स पहना दिए, स्कार्फ्स पहना दिए। ये देखिए, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कलरफुल गार्डन में ये उन्होंने कर रखा है बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह के लिए। तो ये मालूम पड़ा, ये जो हमें हमने जाना है कि जो ग्रैंड माँ है ये बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत काइंड, बहुत लविंग ग्रैंड माँ है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आपको इस पोएम को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस पोएम को। नाउ गोइंग फर्दर वी विल बी डूइंग द आंसर्स ऑफ दीज, तो मैं ये चाहूँगा कि हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स को करेंगे तो आप इससे पहले इन्हीं सभी आंसर्स को मार्क कर लीजिएगा। और पोएम में क्या होता है कि थोड़ा हमें अपने आप ही बनाकर लिखना पड़ सकता है, बिकॉज जो लेसन्स होते हैं जिसको प्रोज बोलते हैं उसमें आपको एक लैंग्वेज मिली हुई लिखी होती है, सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ मिला होता है, लेकिन पोएम के अंदर सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता, तो उसको आपको खुद लिखना पड़ता है अपने अपनी समझ के अनुसार। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, इसको आप करके देखिएगा, जो हम अपनी लाइव क्लास में इस पोएम को थोड़ा और पढ़ेंगे और जो पॉसिबल होगा हम और भी देखेंगे। तो हम आपसे, हम सब फिर मीट करेंगे इन द फॉलोइंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।